पीछे पूरा म्यूजिक को खांडाली सेमिया जुने जुने खाई जलेबी पकौड़े है ना मेला बिल्कुल अधूरा क्योंकि स्वांखा एक ऐसी जगह यहाँ जहाँ पे बाबा सिद्ध गोरिया जी हमारे शहर में मेला बाबा सिद्ध गोरिया दा सस्ती तो है पर बेकार भी है। 23 तारीख तक ये जो मेला है वो लगा हुआ है। सो हेलो गाइस, दिस इज मीनाक्षी भगत एंड यू आर वाचिंग द चैटर बॉक्स। भाई आज हम आ गए हैं स्वांखा मेला में। मेरे पीछे आप आवाजें सुन सकते हो, मेले में जैसी आवाजें सुनने के लिए मिलती है ना पॉप आगे, तो यहाँ बहुत से बच्चे हैं उनसे बातचीत करते हैं। मैं एक चीज़ मैं बता दूँ, इतनी गर्मी लेकिन मौसम अच्छा हो गया इसलिए हम भी बाहर आ गए। चलिए भाई अब हम स्वांखा मेला कवर करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि मेले कैसे इंजॉय कर रहे हैं वो। आइए किसी से, यहाँ कुछ लड़के खड़े हैं। नमस्ते जी। नमस्ते, क्या नाम है आपका? वंश शर्मा। क्या? वंश शर्मा। वंश शर्मा, अच्छा। वंश शर्मा, आज स्वांखा मेले में आए हो, कैसा लग रहा है, क्या क्या खरीदा अभी तक? तो दो तीन छड़े छुड़े खरीदे तो उसके लिए थोड़ा सामान लिया। अच्छा, हाँ। जलेबियाँ पकौड़े खाए नहीं? हाँ ले लिया। बिना जलेबी पकौड़े के ना मेला बिल्कुल अधूरा होता है। अच्छा, छोटे होते आते थे मम्मी के साथ? हाँ हाँ आते थे। क्या जिद करते थे लेना? ट्रैक्टर गाड़ी गुड़ी वगैरह, गाड़ी गुड़ी वगैरह। क्या गाड़ी गुड़ी वगैरह? नाड़ 11 वाला ट्रैक्टर लेना। नाड़ 11 वाला? अच्छा, तब भी होते थे नाड़ 11 वाले ट्रैक्टर? हाँ यस, अभी भी मैं ले रहा था, वो रेड नहीं बना रहा था। क्या बना रहे थे? मतलब रेड नहीं बना रहा था वो। नहीं नहीं रेट नहीं बना रहा, ये कह रहा थोड़ा रेट कम चाहिए। मैंने कहा कोई नहीं मैं कराता हूँ। मतलब मेले में ज्यादा रेट होता कम होता? ठीक ही होता, मीडियम ही। कहीं ज्यादा होता है वहाँ, तो मेरे पीछे आप देख सकते हो यहाँ पे जलेबियाँ पकोड़े लगे हुए। भैया आप पकोड़े गिरा रहे हो उनके बेचारों के, यार पकोड़े गिरा गए। तो भाई आप पीछे देख सकते हो जलेबियाँ पकोड़े लगे हुए हैं। क्या बात है, क्या बोल रहे हो? पकोड़े हमारे फेवरेट हैं, पकोड़े हमारे फेवरेट हैं। कितना खाने का मजा आता है, सभी लोग खा रहे हैं। अच्छा, कितने स्टॉल लगे हुए हैं जलेबी और पकोड़े के, कितने देखे हैं आपने? 300 रुपए किलो है। 200 रुपए और कितने किलो है? 200 रुपए किलो जलेबी। जलेबी 300 रुपया? 300 रुपए किलो। हाँ जी। कितनी लेती? बस लेने नहीं आए थे, आप आ गए, मैंने बोला थोड़ा बात कर लेते हैं। हम आ गए, हमें खिलाओगे? हाँ खाओ ना, कितने खाने हैं बोलो। नहीं कितने करवा देते हैं आपके लिए। ओ, क्या बात है, हमारे लिए पकोड़े। स्वांखे मेले, नाम क्या भैया आपका? अजय। अजय जी कहाँ रहते हो? मैं बिश्नोई। बिश्नोई रहते हो? हाँ जी। तो आज आप देख रहे हो कि मौसम भी बहुत अच्छा हो गया। मौसम तो अभी हुआ, दोपहर को तो बुरी हालत थी। दोपहर से आए? हाँ सुबह से आया हूँ। आइए यहाँ से आगे चलते हैं। शुक्रिया भैया, आगे चलते हैं, बातचीत करते हैं लोगों से और थोड़ा सा आगे चलते हैं। आ जाइए हमारे साथ। और मैं आपको बता दूं मेले में कितनी सारी चीज़ें लगी होती हैं, लेकिन बच्चे जो होते हैं ना उन्हें बड़ा क्रेज़ होता है। किस चीज़ का क्रेज़ होता है मैं आपको बताती हूँ। ये देखो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे खरीद रहे हैं। ये देखो, नमस्ते अंकल, क्या हाल है? ठीक हो? हाँ ठीक है। ये खरीदी थे आधे बच्चे? बच्चे ये खिलौने 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 खिलौने। ये देखो बच्ची, उधर देखो बेटा, छोटी सी बच्ची जो है वो पाँव पाँव बजा रही है। और ये देखना, इधर देखना, हेलो, क्या 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 खरीदा आपने? क्या खरीदा? बूथ है? बूथ। बूथ खरीदा? अच्छा, और कुछ नहीं खरीद रहा था? अच्छा लगता है आपको बूथ? किसको डराओगे? पापा को डराओगे आप? किसको डराओगे? ये देखो भाई, अंकल के खरीदे आज तुसे घर वास्ते? घर वास्ते जलेबियां पकौड़े ल्याणे दे खलौने। नहीं हर साल आंदे मेले? हां जी हर साल। हेलो मैडम, साडी वीडियो कनेहियां लगदियां? बड़ी अच्छी है। अच्छी लगदियां? के कचालू खा रहे हो? हां जी। कनेहियां लगदे कचालू? नहीं अच्छे ने। तो भाई तुस करो खाओ, अस आगे चलने हैं। ठीक है, भी जब छोटे होते थे अपने माँ बाप के साथ मेले में आया करते थे, बहुत अच्छा लगता था। आगे चलते हैं, देखो जलेबियाँ पकोड़े तो हर जगह लगे होते हैं। कितने रुपए किलो है? 200 रुपए। क्या देसी है? दिखी है शहर से नहीं लगती है, ये वाली मिठियां से मेले से बनाते हैं। मेले से भी लगती है, पर के चाड़े तो होता मिठियां कुदे कने बनाई दी होंदियां? साडे बेसन दी होंदी खंड चाड़ी। खंड वाली सेमियां दे कितने रुपए किलो है? 200। भाई देखो खंड वाली सेमियां जुने जुने खाई दी है ना, कमेंट करी दस जरूर। तुसे नहीं खादी दी? नहीं नहीं खादी दी। खाओ तुस भी भैया। क्या कर रहे हो? मैं पैसे नहीं है। तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं मेले में और क्या क्या चीजें लगी हुई हैं। पीछे देख सकते हो इतनी गर्मी है, लेकिन फिर भी ये मेला एक ऐसी जगह होती है जहाँ लोगों को मतलब ये इकट्ठा करके रखता है।
हम भी जब छोटे आते थे, छोटे होते थे तो बहुत रश हुआ करता था, लेकिन अब इतनी डिग्री टेम्परेचर हो गया जम्मू का कि लोगों को बोला जा रहा है कि घर पे रहो। लेकिन चलिए मेले का लुफ्त उठाते हैं और थोड़ा सा आगे चलते हैं, आ जाइए मेरे। कपड़े की दुकानें भी हमें देखने के लिए मिल रही हैं, अब पकौड़े जलेबियाँ जो है वो खत्म हो गई। नमस्ते जी, कैसे हो? ठीक हूँ। क्या नाम है? फॉलो करती हूँ। थैंक यू सो मच। क्या नाम है मैम आपका? मधु। मधु, अच्छा आज मेले में क्या क्या खरीदा? मैंने बहुत सारा सामान खरीदा। अच्छा ये क्या है? ये क्या है? ये तो कृष्ण के लिए टोकरी होती है। अच्छा भगवान कृष्ण के लिए टोकरी खरीदी। अच्छा और क्या क्या खरीदा? ये सोफा कुशन की से है। अच्छा ये कितने के लिए? ये 50 की। 50 जी। और क्या क्या खरीदा? ये सोफा कवर। सोफे कवर खरीदे हैं। अच्छा और बर्तन वगैरह हैं, कप वगैरह। अच्छा मुझे ये बताओ मेले में चीजें सस्ती मिलती हैं या बाहर जब आप सिटी जाते हैं? सस्ती तो है पर बेकार भी है। फाइनली। अच्छा, लेकिन फिर भी लोग खरीदते हैं। बात करो तो बहुत पड़े हुए होते हैं। अच्छा तो बाकी जो चीजें वो बेस्ट है। ठीक है मधु जी ने देखो कितना अच्छा सामान खरीदा। आपने क्या खरीदा मेले से हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। चलिए भाई थोड़ा सा आगे चलते हैं यहाँ पे। तो भाई देखो यहाँ पे आपको पीने का भी ख्याल रखा जाता है। शिकंजी। शिकंजी नमस्ते भैया। नमस्ते, कैसे हो? ठीक हो। क्या ला रहा है? शिकंजी। शिकंजी ला रही है। कितने रुपए गिलास है? 20 रुपए। 20 रुपए। काम कने आ रहा? काम ठीक है। घर जा रहे हो? वापसी जा रहे हैं। ठीक है, कमाई कमाई ठीक है? ठीक है। चलो ठीक है भाई। देखो भाई हम थोड़ा आगे चलने हैं। चलो भाई थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। मैं सोच रही थी कि मेले में रश जो होगा वो कम होगा, लेकिन आगे जैसे जैसे आगे बढ़ रही हूँ रश जो है वो वैसे वैसे बढ़ता ही जा रहा है। आइए आगे चलते हैं, हम भी यहाँ से कुछ खरीदते हैं, कुछ खाते पीते हैं और आपको भी बताते हैं कि मेले में सही सस्ती। हमारे कैमरामैन बोल रहे हैं मेरे मुंह में पानी आ गया। भाई हम भी चलो कुछ खाते पीते हैं, आगे चलते हैं। वो मेरे पीछे देखिए झूला लगा हुआ है बड़ा सा, इसको आई थिंक ज्वाइंट व्हील क्या कहते हैं इसको? ज्वाइंट व्हील, ज्वाइंट व्हील कार्ट व्हील, ज्वाइंट व्हील कहते हैं आई थिंक, है ना? तो ज्वाइंट व्हील के पास तक हम जाएंगे और आपको बताएंगे मेला जो। भैया मेला देख के आए हैं? एक बार नारा लगा दो। आपकी वीडियो बिल्कुल देखते रहते हैं बिल्कुल। जय हो, जय हो, जय हो। बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके, बहुत बढ़िया। थैंक यू जी, थैंक यू। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। इधर फैमिली है। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते जी, कैसे हो बच्चों? बस ठीक, बोलो। अच्छा अच्छा मुझे बताओ आज आज मैं तुम्हारे नारे लग रहे आपको भी नमस्ते है हमारी तरफ से। कैसे हो आप सब? सब बढ़िया हम। अच्छा आज स्वांखे मेला देखने आए हो, कैसा लगा आपको मेला? बड़ा ही अच्छा मेला रहा, दो दिन का कार्यक्रम था और बड़ा ही अपने क्या बड़े हो गए अभी, इसको बोला टेडी बियर ले ले, इसने लिया ही नहीं। तो जब छोटे होते थे तो क्या खरीदते थे? मम्मा को क्या जिद करते थे? छोटे बैंटन वाली घड़ी। बैंटन तब आता था? बैंटन सब आता, अब बंद हो गया। और क्या क्या खरीदते? पंग के लिए आता था इधर, पंग के लिए आता था इधर, पंग पीता था यार। शरदाई पीने के लिए आता था जी, शरदाई। अच्छा ठीक है, आप सारे दोस्तों कैसा लगता है हमारा वीडियो? आपका वीडियो मैम बड़ा ही अच्छा है, पूरे जम्मू कश्मीर देखता है इसको, बड़ा ही मजा आता है देखने, फन भी है पूरा। और भैया का तो स्पेशली शिवम भैया की तारीफ है। इधर आए, उधर देखा था आपको, इधर आए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, ऐसे ही आप प्यार बना के रखना, ठीक है? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या बात है भाई, ट्रैक्टर देखो पीछे, पूरा म्यूजिकल ट्रैक्टर बना हुआ है। कैसे हो भैया? ठीक हो? चलो भाई नमस्ते भैया। हेलो।
कैसे हो? शोर देखो आप कितना ज्यादा कि हम ट्रैक्टर वाले भैया से बात ही नहीं कर पाए, इतनी ज्यादा हुटिंग कर रहे थे ये लोग। चलिए आगे चलते हैं, हम उस ज्वाइंट व्हील के पास पहुंचना है और वहां जाके कवर करना है हमने। तो फाइनली गाइस हम वहां पे पहुंच गए हैं जहां पे झूले वगैरह सब लगे हुए हैं। लेकिन मुझे ये चीज बड़ी सही लगती है कि यार एक मेला ही ऐसी जगह होती है जहां बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं, बहुत से लोगों का रोजगार जुड़ा होता है इस जगह के साथ और लोगों की आस्था भी जुड़ी होती है क्योंकि स्वांखा एक ऐसी जगह यहाँ जहाँ पे बाबा सिद्ध गोरिया जी का बहुत ही धार्मिक और तीर्थ स्थान हम बोल सकते हैं यहाँ पे है। वो हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे झूले लगे हैं और बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं। हेलो बेटा, हेलो बच्चे, बिल्कुल मतलब माने नहीं है किसी को, उनको ये है कि हमने भाई एंजॉय करना। आओ भाई थोड़ा सा आगे चलते हैं, आ जाइए मेरे साथ आगे चलते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं कि मेले में आके एंजॉयमेंट कर रहे हैं उनको कैसा फील हो रहा है। और मौसम गाइस खराब होने वाला, पता नहीं मुझे लगता है भीगते हुए व्लॉग आगे का पूरा करना पड़ेगा। किन अभी थोड़ा पवन थोड़ा दीपक चौधरी चौधरी। अच्छा मेरी गल सुनो, ये थे मेले आई एक नया लगा तुसें? वधिया लगा वधिया, अपने घर च मेला है, मेला लगे थे 8 दिन। हां जी लोग रोज के इन्ने होंदे के आज ज्यादा रोज ही इन्ने दिन इस रोज आंदे हो? हां रोज, शामी मौका ज्यादा भीड़ होंदी है, शामी ज्यादा हां ठंडा, गर्मी बड़ी है ना, हां दिने लोग घट आंदे ने। तुसे लीता कोई छोटा छोटा नहीं? हां जी छोटा छोटा लीता कोई नहीं? लाहो झूटे ले आए हैं, अह किस्ती वाला किस्ती? हां जी डर डर ज्यादा लगना है, ड्राइवर बंदे आज डर नहीं लगता, ड्राइवर बंदे ट्रैक्टर वाले बंदे आए झूटे जाने खुले हैं भाई, आखिर ट्रैक्टर वाले बंदे सानू क्या ज्यादा डर है। नाम है आपका? ऋतिक बदन। ऋतिक बदन बदन, आपका क्या नाम है? प्रिया देवी। प्रिया देवी जी, अच्छा आज मेला देखने आए हो, कैसा लगा मेला? बहुत अच्छा। झूले झूले लिए नहीं अभी? कुछ नहीं, बारी नहीं आ रही। अच्छा ये वाला झूला लोगे? ये नहीं लेंगे, बड़े वाला लेंगे। बड़े वाला लोगे? हाँ। डर नहीं लगता झूले लेते? सही में मैंने आज तक अपनी लाइफ में कोई झूला नहीं लिया, पता आपको मेरे को इतना डर लगता है। आपने लिया कोई झूला? नहीं नहीं लिया। नहीं क्या करना है फिर मेले मेले आए ना घूमना है खाली पूरे रास्ते ही गाती आई हूं। ज्वाइंट व्हील के पास जाएंगे, ज्वाइंट व्हील के पास तो फाइनली हम आ गए और ऊपर देखो लोग जो है कैसे बैठे हुए। मैं तो कभी ये चीज एक्सपीरियंस ना करूं, पता नहीं इतना कितना ही इनका वो होता है जिगरा, बोलते हैं ना जिगरा कि ये लोग बैठ गए हैं, मैं तो कभी नहीं बैठ सकती। अब पता नहीं आई थिंक इनकी टर्न पूरी हो गई है, ये नीचे आएंगे तो उनसे पूछते हैं, इतनी देर यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनसे बातचीत करते हैं। नमस्ते भैया, कैसे हो आप? ठीक है। अच्छा भैया मुझे ये बताओ कि झूला लेने बैठे हो या देखने बैठे हो? हम देखने बैठे हैं। देखने बैठे हो, क्या देख रहे हो? हवा ले रहे हैं। हवा ले रहे हैं या फिर ये देख रहे हो कैसे चिल्ला रहे हो? हाँ बस। अच्छा भैया कैसा लगा मेला आपको? अच्छा लगा। अच्छा लगा, कहाँ से हो? इधर से, स्वांखा से। स्वांखे दे हो? अच्छा, केक जलेबियां पकौड़ियां खाते? नहीं जलेबी पकौड़ी खाती, गोलगप्पे खाते। गोलगप्पे खाते बड़ा टाइम है, 10 बजे ने गोलगप्पे खाते थे और केक एंजॉय किया। मेला बड़ा शैल कनेहा, हर साल लगता मेला? हर साल लगता। हर साल आते? हर साल। हर साल गोलगप्पे खाते हो या जलेबियां पकौड़े? जो मन किया, जो मान दी सया उया खादा। छोटे छोटे बच्चे कैसे एंजॉय कर रहे हैं, हमारे टाइम पे तो ये सब चीजें होती नहीं थी। यहाँ पे देखो पेरेंट्स लाइन में लगे हुए हैं कि बच्चे अंदर जाएं मजे करें, ठीक है। हेलो बेटा। हेलो, कैसे हो? ठीक हूँ। आप कैसे हो? ठीक हो आप? आप झूला लेने आए हो? झूला लेना तो पापा बोले ड्रैगन में बैठ जाओ, बोले ड्रैगन में नहीं बैठना, उसमें नहीं बैठना मैंने, इसमें बैठना मैंने। हाँ ज्यादा सही हो, ये सारा चाहिए बच्चों के लिए। मैंने बोला मुझे बिठा लेना, बोलता मम्मा बड़ों के लिए नहीं है। क्या बात है भाई, पीछे आप रश देख सकते हो, लाइनें लगी हुई है, बच्चों बेचारों की टर्न ही नहीं आ रही है कि वो झूला जाकर ले सके। आपकी टर्न कौन सी है? ये अभी इधर अभी अभी आधा घंटा लगेगा, अभी लग जाएगा, टाइम लग जाएगा। अच्छा अच्छा मुझे ये बताओ आपकी टर्न आ गई? नहीं अभी नहीं आई, अभी नहीं आई। मम्मा क्या बोले, ले देंगे झूला? अच्छा क्या क्या खाया मेले से, सच बताना? अभी झूला लेने आए हैं। झूला लेने आया? जलेबी नहीं खाई अभी? नहीं नहीं खाई। आपने खाई जलेबी? हाँ। और क्या लिया? मम्मी अच्छी है पापा? अच्छा मुझे बताओ मम्मा अच्छे है या पापा? पापा।
पापा जी। भाई मैं ये बता सकती हूँ कि जो गर्ल्स होती है ना, गर्ल चाइल्ड, उनके पापा जो होते हैं वो बड़े फेवरेट होते हैं, ऐसा होता है ना। आपको भी पापा अच्छे लगते हैं ज्यादा? सारे बच्चा पार्टी जो है मेरे साथ खड़ी होगी। हेलो बच्चो। हेलो 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 हेलो। क्या नाम है आपका? ओजस। ओजस आपका? शौर्या। आपका? सानवी। आपका? इसका मन नहीं है। आपका? कायरफ। कायरफ। आपका? पाही। अच्छा आज झूला लेने आए हो आप? हाँ झूला लेने आए हो? अभी टर्न आई नहीं? टर्न हो गई है मेरी। अब मैं ना नीचे आया हूँ। अच्छा, आप मेरे को मिल गए, मैं आपके पास आ गया। अच्छा हमसे बात करने आए हो आप? हाँ। अच्छा मुझे ये बताओ कौन कौन सा झूला लिया है? एक अभी लिया है, वो एक घूमने वाला था। अच्छा घूमने वाला था। और एक ट्रैम्पोलिन लेना है। अच्छा इतने सारे झूले लोगे? आपने कितने झूले लिए? हमने दो लिए, एक ये और एक ब्रेक डांस। अच्छा आपने? वन। वन लिया बस? आपने? थ्री। थ्री झूले लिए? है इधर इधर देख के एक्सप्रेशन दो ना, कितने? थ्री। ओ थ्री झूले लिए उसने। आपने कितने लिए? टेन झूले लिए। बच्चे इतने एक्साइटेड होते हैं झूले लेने के लिए। अच्छा मेरी बात सुनो एक बार। मैंने थ्री झूले लिए, कुश्ती और वो वाला। कुश्ती नहीं, किश्ती। किश्ती किश्ती। अच्छा एक बार जोर से बोलो चैटर बॉक्स। क्या बोलोगे? चैटर बॉक्स। उधर देख के बोलना ठीक है। वन टू थ्री बोलो चैटर बॉक्स। तो गाइस देखा हमने लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं इस मेले में। अगर आप भी आना चाहते हैं तो मैं आपको डेट बता दूं, जून 23 तारीख तक ये जो मेला है वो लगा हुआ है स्वांखे में। तो गाइस जल्दी से आओ अपने परिवार के साथ, गर्मी बहुत ज्यादा है, थोड़ी कम हो जाएगी तो फिर आना। शाम के टाइम आओ, लोग बहुत एंजॉय करते हैं यहाँ पे। और बाकी की वीडियोस के लिए देखते रहिए द चैटर बॉक्स। बाय बाय दोस्तों।